के साथ है, बड़ा नाम है बॉलीवुड में, दक्षिण के और तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं। पर्दे पर विलन का काम करने वाले राजनीति में नायक का काम करने के लिए उतरे हैं प्रकाश राज जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। आप पर्दे पर काफी विलन का काम कर चुके हैं और नायक बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, संसद में आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसका अधिकार है, लेकिन आप पर्दे की दुनिया के बाद असली दुनिया में भी विलन के साथ ही खड़े हैं, ऐसा क्यों होता है? कौन है विलन? आप प्रचार करने गए थे जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, कन्हैया कुमार। झूठे आरोप है नारा लगाने की? हाँ, वो झूठे आरोप है, वो इस देश की भविष्य है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जैसे आवाज जो है, शैला रशीद जैसे आवाज जो है, जिग्नेश मेवानी जैसे आवाज जो है, उमर खालिद जैसे जो आवाज है, प्रकाश राज जैसी जो आवाज है, अरविंद केजरीवाल जैसे आवाज जो है, ये देश की भविष्य है और उनके साथ खड़ा। अच्छा, उमर खालिद वही है जिसने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है? तो अफजल के बारे में बात कर रहा था, बट देशभक्त है वो अफजल, उमर खालिद। तो अफजल तो देश के संसद पे हमला करने वाला जिस पे आप जाना चाहते है, हाँ जी, वो तो वाह इस प्रकार से नारा दे रहा है जो कि देशद्रोह से भी बड़ा गुनाह होना चाहिए। आप उसको देशद्रोह कह रहे हैं, वो ह्यूमन एंगल से बात किया था, वो किसी भी गुनहगार है। तो क्या संसद पर हमला करने वाला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको फांसी की सजा दी, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा मुझके ये करवा दी, कंटिन्यू करवा दी, उसकी दया नहीं सुनी, ऐसे व्यक्ति का भी कोई ह्यूमन एंगल होता है? मतलब जो दूसरे की ह्यूमन राइट छीन लेता है उसकी ह्यूमन राइट कैसे? ह्यूमन एंगल होता है जी, अमर खालिद का ह्यूमन एंगल है। आप उसको है? समझते ना, एक बात को लेके आप बट 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 कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन प्रज्ञा ठाकुर? प्रज्ञा ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीट? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, शी इज आउट ऑन बेल, हेल्थ रीजन से बेल पे बारी है। क्लीन चिट कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला आया ही नहीं ना? आया है ना, आएगा ना, आया है ना, अभी कोर्ट में तो है। फैक्ट्स के बारे में आप? फैक्ट्स के बारे में ही बोल रहा हूँ। हाँ, फैक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ। आप झूठ बोलने से वो अरेस्ट के दिन से हम उनके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें एक एक केस का डेट वाइज पता है। अच्छा, तो प्रज्ञा ठाकुर क्या है? प्रज्ञा ठाकुर की इज नॉट आउट ऑन बेल। प्रज्ञा ठाकुर की तुलना आप उमर खालिद से कर नहीं सकते। आप भी आप उसकी तुलना अफजल से नहीं कर सकते। उमर खालिद अफजल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देश के राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका ठुकराई थी और उसको फांसी हुई थी। हाँ, उसका वो उमर खालिद का ओपिनियन है, वो भी इंसान है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको उमर खालिद को देशद्रोही कह रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। अगर ठीक है, हम तो कोई आपको थोड़ी सजा देने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बस आप देशद्रोह के साथ खड़े हैं, इतना ही तो हम कह रहे हैं। आप पुलवामा में तो इतना अच्छा बोलते हैं कि पुलवामा में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन यहाँ नक्सलवादियों के हमला होता है, हमारे जवानों को मारा जाता है, तो आप मौन रहते हैं? नक्सलवादी तो भी नक्सलवादियाँ जो है उनकी जो तरीका है उसके खिलाफ तो है हम। हाँ, लेकिन उनके साथ दे रहे हैं। हाँ, बातचीत करना है, इंसान है, उनका प्रॉब्लम क्या है सोचना है ना, सुनना है ना, वो भी सुनना है भाई, मतलब वो भी ह्यूमन है। नहीं नहीं नहीं, यू पीपल नो, आप पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। सुनिए उनका भी, उनका तरीका हमको ठीक नहीं है। तरीका के बारे में बात करते हैं, वो देशद्रोह है, वो नहीं करने का, किसी का जान लेने का अर्जन है, बट उनके कुछ मुद्दे हैं, उनको भी सुनना है। आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवादी देशद्रोही है। तो क्यों नक्सलवादी बनते हैं हम सोचना है कि ताकि बाकी लोग भी नक्सलवादी नहीं बनना चाहिए ना इस देश में। हमको उस इंसानियत का भी सोचना है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आपको जो आदिवासी सी का प्रॉब्लम दिखता है, आपको नक्सलवादी गुरु का ह्यूमन दिखता है, नहीं बोला मैंने। हाँ। मेरे मुंह पे बात डालने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो साफ साफ बोल रहा हूँ। वो तो कैमरे रिकॉर्ड कर, हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोलूंगा और वो भी ये रिकॉर्ड कर रहा है, आप मेरा मुंह में क्या डाल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उमर खालिद के बारे में बात कर रहा हूँ, अफजल गुरु के बारे में बने क्या? अफजल गुरु के बारे में बात किया मैंने? नहीं किया ना। पूछे तो नक्सलवादियों से बातचीत के आप पक्षधर? नक्सलवादियों जो है उनका तरीका के खिलाफ हूं मैं, लेकिन जो आदिवासियों को मुद्दे ले रहे हैं, दूसरे अगले और एक आदमी नक्सलवादी नहीं बनना चाहिए मुझे। तो मुझे हमको इंसान होके इस देश होके सोचने चाहिए कि किन मुद्दों पे ये लोग नक्सलवादी बन रहे हैं। अच्छा। अगर कोई बिगड़ रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ना नहीं चाहिए ना, किस मुद्दों पे बिगड़ रहे हैं वो लोग, वो भी सोचना चाहिए ना। बात होनी चाहिए कि बंदूक हाथ जो बंदूक डाले हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आई हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि और एक नक्सलवादी नहीं बने। हाँ, तो बंदूक को शरण आ जाए, छोड़ दे और बातचीत करें। वो तो कोशिश करना है और ये भी कोशिश करना है कि और एक आदमी बंदूक नहीं उठाए। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ।
मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जिन चीजों के लिए हम ऐसे भी देखना चाहिए। हाँ, आप गौरी लंकेश भी बातचीत की पक्षधर थी और उनके जाने के बाद आपने उनके लिए न्याय की बहुत बड़ी आवाज उठाई, तो अच्छा है आवाज उठाई। हाँ, लेकिन उसी गौरी लंकेश की हत्या जिस स्टेट में हुई, उसी 5 सालों में 24 हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या कर्नाटक में हुई, उस पर प्रकाश राज जैसा आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम? देखो, जो हत्या करते हैं वो कोई रिलीजन का नहीं होते हैं। जिनकी हत्या हुई उनकी बात कर रहा हूं, वो इंसान है, इंसान को हत्या करना गलत है। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हत्या किया मुस्लिम, क्यों नहीं बोलते? उसको जात और कौम के बात क्यों लेके आ रहे हैं? तो आप गौरी लंकेश के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, मैं कौम के बात में नहीं किया, मैंने कौम के बारे में ना किया। गौरी लंकेश आप जैसे एक पत्रकार थे, जो बोलना है उनका हक है, उसके साथ वाद विवाद कर सकते हैं, मार नहीं सकते भाई। वो हम भी पक्षधर नहीं। हाँ, बस वही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन आप हत्या जब होता है इस देश में, नहीं बोलते जब इस देश में हत्या होता है तो आप पत्रकार हैं, अब हिंदू हत्या, मुसलमान हत्या, क्रिश्चियन हत्या क्यों बोलते हैं भाई? जो हत्या करते हैं किसी कौम का नहीं है वो लोग, दे डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। मैं करने वाले की नहीं, जो मरा उनकी बात कर रहा हूं, उनको भी है ना, मरे हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? इंसान बोलो, क्यों लो? नहीं बोला आपने? नहीं सुना तो क्या मैं नहीं बोला? तो बोलिए, अच्छा है दोहराइए हम लोगों के सामने। हाँ जी, मैं अभी बोला ना, कत्ल करना पाप है, क्राइम है, नहीं करने का। आप उसको क्यों जात का नाम डाल रहे, वो पूछ रहा हूँ मैं। दिस इज नॉट डन, नफरत नहीं पैदा करना का। जो आतंकवादी हैं वो विकल्प मनोभाव के लोग हैं, और उनका कोई जात नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म इस देश में कत्ल करने को, आतंकवादियों को फैलाने को नहीं कहता ना। हम ऐसे सोचना है, इंसान बनना है। हाँ, और अगर कोई धर्म ये कहता है कि नहीं धर्म का वो देश कब्जा करने के लिए आतंकवाद वाजिब है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। आतंकवाद को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। ये अच्छी बात है, आपने पहले स्पॉन्टेनियस जवाब दिया। क्या कर रहे हैं आप? मैं वही बोल रहा हूँ, सब कुछ स्पॉन्टेनियस ही बोलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो आपने कहा, अच्छी बात है। हाँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ इसके लिए, आपने जो कहा श्रीलंका में जो कहा उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया नहीं ढूंढ पाया आपसे इंटरव्यू करने के दौरान, तो मैं आप नहीं ढूंढ पाए तो आपका प्रॉब्लम है, आपका फोन प्रॉब्लम है। देखो, आई वॉज द फर्स्ट फ्लोर रिएक्ट, ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म के बजाय इंसान को देखो, कोई धर्म मेजोरिटेरियनिज्म ना, भाई मुसलमान लोगों ने समझते हैं उन्हीं इस देश में मुसलमान होना है, तो रॉन्ग है। बोला ना मैंने, आपने सुना तो मैं क्या, ये जो मेजोरिटीरिज्म की बात आप कह रहे हैं, कोई भी है, वेदर इट इज हिंदू, वेदर इट इज, वेदर इट इज, वेदर इट इज मुसलमान, वेदर इट इज क्रिश्चियन, वेदर इट इज हिंदू, ये मेजोरिटीरिज्म नहीं चलेगा इस देश में, इस दुनिया में। लेकिन ये तो हिंदुस्तान में हिंदुओं पे लागू पड़ रहा है ना आरोप, जो आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक, आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? तो आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? तो कैसे लेना चाहिए? कोई इस देश का बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों पे अत्याचार नहीं करता है? प्रकाश जी, आप हिंदुस्तान में, मैंने कब बोला वो? आप अभी कह रहे हैं ना, मैंने बोला मेजोरिटीरियम इज कॉल्ड मुसलमान मेजोरिटीरियम, दे कांट डू इट इन श्रीलंका यार। इस पूरा दिन में मुसलमान बड़ा होना चाहिए और एक कॉम नहीं, दैट इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। आप हिंदू कहां से आया बीच में? आप क्यों लेके आ रहे हैं हिंदू को? मैं मुसलमानों को गाली दे रहा हूँ, मुसलमान आतंकवादियों को जो हमला किया क्रिश्चियंस पे, मैं गाली दे रहा हूँ। आप ये मुसलमानों को, हिंदू को कहाँ लेके आए? मुसलमान का अच्छा, 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 आप क्या लेके आए भाई? मेजोरिटी हम जब कह रहे हैं तो हाँ, हिंदुस्तान के हिंदू की चिंता हो रही है, वो हाँ, तो आप कर रहे हैं क्या? वो कौन, आप क्यों सोच रहे? नहीं कर रहे, आपको ये सोच क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे ये चिंता है क्योंकि हर कौम जो को बदनाम करने के आपको षड्यंत्र चल रहे हैं ना, तो मैंने कब कहा? ये प्रॉब्लम क्या है इस देश में? हर हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदुइज्म को यूज करते हैं कुछ लोग हैं, विकल्प लोग, उनके खिलाफ है मैं, उनका खिलाफ हूँ। हिंदुओं को बदनाम मत करो, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमानों को बदनाम मत करो, क्रिश्चियंस को बदनाम मत करो, ये बोल रहा हूँ मैं। जो विकल्प लोग है ना हर धर्म में, उनके खिलाफ हूँ भाई। अच्छा है, हाँ? ये आवाज और बुलंद हो, यही आवाज बुलंद होना चाहिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उस धर्म का इस्तेमाल जो करते हैं ना कुछ लोग, विकल्प लोग, उनका खिलाफ है, क्योंकि वो लोग हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, वो लोग इंसान ही नहीं है। लेकिन ये जो आज आप सुदर्शन पे बोल रहे हैं ना, अब तक आपके जितने मीडिया पर वीडियो देखे हैं, यूट्यूब पर, वो ऐसे नहीं है जैसे आज आप बताइए। मैं हिंदूइज्म रॉन्ग कहां बोला हूं? ये कुछ लोगों ने बोला है मुझे हिंदू विरोधी, बोलो भी हिंदू विरोधी का एक लिखा हुआ एक वीडियो बोलता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ।
चैलेंज करता हूँ, निकाले है ना पूरा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। एक वीडियो जो मैं हिंदुइज्म के खिलाफ कर चुका हूँ और एनी रिलीजन के खिलाफ, एक इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ। हिंदुत्व के, हाँ हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन हिंदुत्व का नाम जो ले रहे हैं ना वो न्यू कॉइनेज है। हिंदू धर्म अलग है, ये कुछ लोग हिंदुत्व हिंदुत्व बोल रहे हैं ना वो अलग है। एक्चुअली उस हिंदुत्व है मतलब हिंदुइज्म नहीं होता, हिंदूनेस होता है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली विदेशी चश्मे से जो हम कंसेप्ट को देखते हैं ना, ये प्रॉब्लम है प्रकाश जी। नहीं नहीं, आप एक देखिए लॉजिक से मत बात कीजिए। जो लोग शब्दांतर नहीं होता है, शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व के नाम में जो आतंक फैला रहे इस देश में उनके खिलाफ हूँ। एक घटना, बहुत घटना है यार, एकाध घटना जो गाय के मारने वाले थे हिंदुत्व को उड़ाने, तो गाय नहीं था, पूछते भी नहीं है, किसी को मारते हैं, लिंचिंग करते हैं। एक भी घटना बहुत कांग्रेस की सरकार के राज्य में भी सरकार कहां से आई, सरकार के बारे में कौन बात कर रहे हैं अभी। तो एक भी घटना सही नहीं पाई गई ना, सारी फर्जी निकली, व्यक्तिगत विवाद थे। नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंचिंग के बारे में उसके बारे में बात करो ना। हाँ तो लिंचिंग की घटना एक भी सही नहीं थी ना। कौन अब कोई घटना थी, सीट गाड़ी ट्रेन के अंदर बैठने वाला जो सीट चाहिए था उससे विवाद हो गया, उसको जाति का नाम दे दिया। कोई इनलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा था पशुओं की, मारा गया तो उसका लिंचिंग में धर्म का नाम दे दिया, उसको लिंचिंग हो गया। आप जो बोल रहे हैं तो क्रिमिनल जो घटनाओं को, सभी क्रिमिनल घटनाएं, क्रिमिनल घटनाओं को हमने धार्मिक स्वरूप नहीं देना चाहिए। धार्मिक का नाम पे कर गया ना वो लोग, हाँ गाय को बचाने के लिए, हाँ वही किया ना वो लोग। तो गाय को बचाना कहा बुरी बात है, अच्छी बात है, उसमें क्या है? इंसान को मारना है क्या, उसको नहीं मारना चाहिए इंसान को, मारे है ना लोग, कुत्तों को भी नहीं मारना चाहिए इंसान को, तो छोड़िए छोड़ो। लेकिन इस प्रकार जब इंसान को मारते हैं तो मैं उनके खिलाफ हूँ, हाँ बस खिलाफ हूँ। हाँ लेकिन घटना सही हो तो ठीक है ना, घटना हो चुका है, आप घटना हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ घटना हो चुका है, आप बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। विदेशी ऐसी कई एजेंसियां हिंदुस्तान में आई है, पीआर एजेंसियां, जो इस देश में इंटॉलरेंस, लिंचिंग, ऐसे ऐसे शब्दों को ढूंढ के लाई है और उसको ट्रेंड करवा रही है, और हम लोग शिकार हो रहे हैं उसका, बाकी कुछ नहीं है। आप कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जाते हैं, विदेशी लिंचिंग, लिंचिंग है भाई लिंचिंग 2014 के पहले कहीं दिखा नहीं, दिखाई नहीं, अभी दिखा रहे इसीलिए तो जो सिखों का दंगा हुआ लिंचिंग नहीं था, 2014 से पहले नहीं दिखा इसीलिए हम बहुत, जो 84 में दंगा हुआ सिखों का वो लिंचिंग नहीं था, हाँ गलत था ना, उसको कहिए ना वो भी गलत था, हाँ गलत। मुंबई में 93 के जो बॉम्ब धमाके हुए छोटे बच्चे के साथ, बहुत गलत था, बहुत गलत था। जो नक्सलवादी करे वो भी बहुत गलत है, बहुत गलत है, उसके खिलाफ भी बोलना, हम बोल रहे हैं ना। पंजाब में जो खलिस्तान की बात करते हैं बहुत गलत है, बहुत और गलत आप था। पार्टी के साथ है जिनका प्रचार करने के लिए, किस पार्टी, जिस आप किस पार्टी, आप पार्टी, हाँ, आम आदमी, आम आदमी पार्टी अभी शुरू हुआ केजरीवाल, हाँ जी, ये पंजाब में प्रचार करने गया तो उस व्यक्ति के घर में इसने नाइट स्टे किया जो खलिस्तान समर्थक है, आपको पता नहीं, आप उसका प्रचार करने आए यहाँ पर, उनसे पूछिए ना, तो आप कैसे उसका प्रचार करें? मैं सोच रहा हूँ जो काम कर रहे हैं वो लोग, हाँ, हाँ, तो इसका निषेध करिए कि जो भी खलिस्तान के साथ है वो गलत है, हाँ, हाँ गलत है, हाँ, खलिस्तान की थॉट प्रोसेस के साथ है ना, हाँ, गलत है, गलत है, हाँ, तो इसलिए इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगाए बिरयानी खा के आया पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है तो ये भी गलत नहीं है। मतलब आप अभी बचाओ, बचाओ नहीं है, हाँ। गले लगाए ना, हाँ। बिरयानी खाया ना, हाँ। हम उसको गलत नहीं बोल रहे ना, हाँ। अब वो कुछ गया था ये भी गलत नहीं है, अब दोनों का इंसान है, इंसान है दोनों लोग, अब दोनों का पाकिस्तान का सोच जो है वो गलत है, खलिस्तानी का सोच जो है वो गलत है, इंसान इंसान गला लगने के बारे में मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, हाँ बस चलो कुछ भी यार, दोनों फर्क है ना, अब फर्क बताता हूँ मैं, क्योंकि देखिए आपने सवाल उठाया, अब आप कोई आम एक्टर नहीं रहे, आप एक इतना बड़ा नाम बन चुके हैं पार्लियामेंट में, आम 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 करने वाला नहीं हूँ नहीं मैं आम का सवाल पूछने वाला पत्रकार भी नहीं हूँ, ठीक है ना, आम आदमी का जो खा रहे उनका भी नहीं पूछेगा ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तो इस देश के प्रधानमंत्री है, उसको किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार है, आपने हमने इस देश ने चुन के दिया है, केजरीवाल को किसने अधिकार दिया है कि किसी प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार भी है, और आज वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ये चाह रहे कि प्रधानमंत्री बने मोदी यहाँ के, वो भी ठीक है, उनका रिश्ता क्या है हम देख रहे हैं, वो तो रणनीति है, दाल में कुछ काला है, वो तो मोदी दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, वैसे तो सारी दाल ही काली है, हाँ काली है, फिर भी मोदी नहीं आएंगे तो हम छोड़ रहे हैं, चलो अभी क्या कर रहे हैं,
अच्छा मतलब आप निकले, राजनीति निकले, छोड़ रहे हैं? मोदी छोड़ रहे हैं। अच्छा मोदी भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, नहीं छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग, भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं। टिकट बुक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आप मोदी को हरा रहे हैं? मैं हाँ, क्योंकि 543 इलेक्शन कैंडिडेट्स नहीं है ना, सिर्फ मोदी का शक्ल देके वोट डालना है ना। हाँ तो अगर मैं जीता तो मोदी को हराया मैंने। पार्टी ने भी वो टिकट नहीं दिया? टिकट नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेला काफी। दिया ही नहीं किसी ने? अरे लिया, पूछा ही नहीं तो क्यों लूंगा यार। तो आपको कोई पार्टी नहीं पूछ रहा है? देश के प्रधान? अरे मैं नहीं पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा हूँ किसी का पार्टी, किसी पार्टी जरूरत नहीं है मुझे, किसी पार्टी का जरूरत नहीं। मैं अकेला बसता है प्रकाश जी, मैं अकेला बसता हूँ। जैसे अलग अलग भाषा में एक्टिंग करते हैं, वैसे कर्नाटक में इंडिपेंडेंट, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ, कई जगह गठबंधन के साथ। मैं कन्हैया के साथ रहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का साथ रहता हूँ, मैं केसीआर के साथ रहता हूँ, सिर्फ मोदी के साथ नहीं हूँ। मायावती के साथ? मोदी के साथ नहीं हूँ, आपके कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। बीजेपी और कांग्रेस ना इस देश की बहुत बड़ी नॉनसेंस है, इन दोनों के साथ नहीं, इन दोनों के खिलाफ। हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, हम देखेंगे, अब दोनों का अंत देखेंगे। सिर्फ 23 कितने दिन बाकी है, इन दोनों सरकार से स्ट्रेट अवे मेरा चैलेंज है। अगर अगर दम है नेशनल पार्टी, आप दोनों में दम है तो सरकार बना के दिखाओ, देख लूंगा मैं अकेला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सवाल कर रहा हूँ। करो, आप इतना बात करेंगे ना, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अधिकार है, आप जो मुद्दे बोल रहे हैं ना, जो आतंकवाद का, जो लिंचिंग का, जो मोदी सरकार ने ये किया वो किया, देखेंगे इस बार चुनाव में लोगों में किसको मदद देते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये सारे जो नाम ले रहे हैं ना, इन सब के मिलके अकेले मोदी के चुनाव क्षेत्र में जितने वोट पड़ने वाले, इतने भी इनको नहीं मिलेंगे। ये अकेला क्या, इसका भी बहुत बड़ा महागठबंधन है ना, घटिया बंधन। आपको आपको पता है ना, थोड़ी है आपको पता है, अकेले थोड़ी है आप बीजेपी लोग, अभी बीजेपी अकेले थोड़ी अभी, है भाई, उनका महा घटिया बंधन है भाई। आपको पता है ना, आपको नहीं, नया नया एक जोक चल रहा है सोशल मीडिया, बंधन है एक सोशिया, एक सोशल मीडिया पे प्रकाश जी विनोद चल रहा है कि ये जो जपा डिपॉजिट जब्त होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो केजरीवाल चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि डिपॉजिट जब्त होने पे 50% की छूट दे दीजिए, हम आपके रेगुलर क्लाइंट है। आप देखो केजरीवाल को कितने रोकेंगे उतना काम करेगा। सात जगह पे तो लड़ रहे हैं, सात जगह पे टोटल चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भी 4 और 3 पर कांग्रेस को गिड़गिड़ा रहे थे। जिस कांग्रेस को खत्म करने की आप बात कर रहे, केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रही है। नहीं करेंगे, हो गया ना काम। अभी वो खुले आ गया ना, मतलब अगर वो गठबंधन होता तो आप फिर कांग्रेस को खत्म करने की बात प्रकाश राज करते? क्या करता था मैं? करता था 100% करता था मैं, पहले से ऐसे हूँ ना, दोनों के खिलाफ हूँ। और अगर देखिए अगर, मैं, अगर, मैं अगर देश मोदी के को सोच रहा हूँ, मोदी जी को कौन रोके? मोदी कौन है? जा रहे हमारे को कौन रोकेगा यार? ठीक है, चलते उनके चलते खिलाफ, उनके खिलाफ जो निकल चुका है, जो गया उसको बारे में क्या बात करूं? अगर मानिए नया गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं, किसी के खिलाफ, किसी को भगाने के लिए, लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए आया हूँ मैं, इस देश को बचाने के लिए आया हूँ, ये कांग्रेस और बीजेपी से। छोड़िए उनके बाद, और कौन है? जाने वाले हैं वो लोग, खुद सिंगल नेशनल पार्टी है, इतने सालों के बाद भी इतना पैसा है, इतना स्ट्रक्चर है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकेंगे 2019 में, शर्म होना चाहिए उन लोगों को। अच्छा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनेगी? नहीं बनेंगे, दोनों में से कोई रंगल पार्टी नहीं बनेंगे, तो कौन बनेगा? तो दूसरे लोग बनेंगे, एक नाम, ये देश सब मिलके बनेंगे यार, ये देश, कोई नाम, ये देश जो है ना, ये डेमोक्रेसी भी है और फेडरल भी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट रिपरकशंस, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, ये तो हमारी ब्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे प्लान किया था, इसमें आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की उसका प्रॉब्लम समझते हैं, वो लोग पीएम को चुनते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, ये हंगामा बना के रखे हैं। मोदी फिर सी, मोदी जी ने क्या कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत बोला था, आपको पता है? मोदी जी ने बीजेपी मुक्त भारत बना दिया, क्योंकि अभी वही बीजेपी का सरकार नहीं बोलते हैं, मोदी सरकार बोलते हैं। सो पहले बीजेपी को निकाला है, वो तो उनकी समस्या है, हम पत्रकार को उससे क्या मतलब है? उनकी आपका पत्रकार का हाल ही मकाया मालूम, आपको ये समझ में नहीं रहा है, महसूस नहीं आ रहा है आपको, इतिहास में ऐसे नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिसको आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। आपको रिपोर्टर्स जो बोलते हैं ऐसे बना लिए, हम तो पूछते हैं और हमारे जवाब भी नहीं देते हैं। नहीं देते, हाँ? प्रॉब्लम आपस में चाय में चर्चा आप करते रहेंगे, हाँ? बट इस मीडिया पे एक भी स्ट्रेट इंटरव्यू आज तक नहीं दिए,
मोदी जी आप झूठ मत बोलिए प्लीज, किसी का इज्जत नहीं कर रहा है वो आदमी, वो सर्वाधिकार है। हाँ। ये भारत देश में नहीं चलेगा। आपने बेसिक जो मीडिया है ना, मीडिया जो मीडिया उनके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे पर्सनली मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की मारामारी करने थोड़ी आए हैं। बात करने को तो छोड़ो ना, आप भी मोदी जैसे क्यों बात कर रहे हैं भाई, किसी आदमी तो अभी सुनो। हाँ बिल्कुल सुनना चाहिए ना। वही वही बोल रहा हूँ, आप लोगों का प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसे लोगों का प्रश्न इससे नहीं पूछ सकते आप मिस्टर मोदी जी से। वो तो पूछते हैं, एक ट्वीट करो जवाब आ जाता है, एक मेल करो जवाब आ जाता है। माय गॉड, प्रॉब्लम आपके खास होंगे मोदी जी। नहीं हम नो, देश का उनका जो देश का प्रॉब्लम ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप है ना। अच्छा। आप डाउनलोड करिए, आप तो उनके लिए, आपके हृदय में भी मोदी के लिए जगह नहीं और आपके मोबाइल में नरेंद्र मोदी ऐप के लिए भी जगह नहीं। ऐसे झूठ मत कीजिए, सच बोलिए, अभी बोलिए अगले क्या। अच्छा बेसिक आंकड़ा जो है, आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो कौन सी पार्टी बनेगी बताइए ना। एक पार्टी बनने की जरूरत नहीं है इस देश में, हवा बदल चुकी है, दूसरे तरह की राजनीति आएगा, ताकि स्टेट स्ट्रांग होंगे, स्टेट्स का मुद्दे स्ट्रांग होंगे। आज इस देश में ये चाहिए कि हमको रिस्ट्रक्चर करना है। हाँ। स्टेट्स का पावर क्या है, सेंटर का पावर क्या चाहे, नेशनल सब्जेक्ट्स क्या है, स्टेट सब्जेक्ट क्या है, बहुत सोचना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द सिस्टम एंड वो चेंजिंग होगा अभी। अच्छा है, आप इसको व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवस्था इन द सेंस जो काम करते हैं ना वो तरीके में। देखो अभी मैं अभी किसानों की बात लेते हैं। देखो किसान की प्रॉब्लम्स की समस्या जो है ये नेशनल सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि ये नदी के किनारों पे जो व्यवसाय करता है ना किसान, उसका समस्या अलग है। जो एक ईयर में एक बारिश देके किसानी करता है, या वो पहाड़ों पे करता है, सो इट हैज डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट, वो अलग होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कुछ बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आना चाहिए, ताकि हम जो समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए वी डोंट थिंक ऑफ अ नेशनल पार्टी और नेशनल एजेंडा। लेकिन राहुल को तो इसमें से कुछ भी पता नहीं है, तो मैं राहुल के बारे में कौन बोल, उसका सपोर्ट कौन, समर्थन कौन कर रहा है? तो आप जो पर्याय की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, ये प्रकाश राज फॉर्मूला कहना पड़ेगा, इसको नया नाम देना पड़ेगा। जिसकी जरूरत है, जरूरत है देश की। और अगर राहुल गांधी के नाम पर कल केजरीवाल सहमत हो जाए, तो प्रकाश राज इसी दिल्ली में आके फिर विरोध करेंगे, देखेंगे 23 पे क्या होगा भाई। अब इस पे देखेंगे, देखना चाहिए, बोल दीजिए ना। आप तो इसके लिए जाने जाते हैं कि आप मेरे खिलाफ बात कर रहा हूँ, तो आप ये मैं करूंगा। हाँ, तो आप केजरीवाल का विरोध करेंगे अगर वो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। विरोध करूंगा, और क्या करना है बस। ठीक है, बस ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो यही हम चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हो करके दिखाएं, और क्या। चलिए, आप पार्टी पे आते हैं जिसका प्रचार करने आप दिल्ली पे आए, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पे आते, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल उनका सोच की पार्टी। मैं अभी यहाँ आने के पहले वाईफाई ढूंढ रहा था, वो भी मिला नहीं, नहीं मिलेगा। बस में हमारी टीम आई तो वहाँ पर भी वो जो सिक्योरिटी गार्ड देंगे बोला था वो भी मिला नहीं। केजरीवाल कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा था हर गाड़ी में हर बस में हम आदमी देंगे। हाँ, एक एक आदमी कर रहे हैं। हाँ, पानी दे रहे हैं, अभी बिजली दे रहे हैं थोड़ा। हाँ, और स्कूल दे रहे हैं। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, एक भाई वन देंगे भाई। आपको भगवान करे आपको किसी क्लिनिक में जाने की जरूरत ना पड़े, आप स्वस्थ रहे, लेकिन जरा किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि क्या। हाँ जी, गरीब आदमी जो रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, बदल रहे हैं इस देश में। अगर इतने सालों में कोई शिक्षा के बारे में सोचा है वो केजरीवाल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में आज इतना बच्चा रिजल्ट्स आया है वो केजरीवाल जी के और उनके लोगों की सोच है। बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। उसका आप कितने भी हंसो, कुछ भी करो, आपके एजेंडा, आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत खूब काम। अगर ऐसा है तो सारे विधायक छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? एक दो दिन होते हैं भाई, क्या करेंगे, उनका एजेंडा आधा दर्जन हो गया। अगर बिका हुए कि पता नहीं, खरीदा है कि पता नहीं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ओपन तो कह रहे हैं 40 सीटों लोग मेरे साथ है। आपके क्यों, हमारे नहीं है, आपके नहीं है। आप बीजेपी जैसे ही बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, बीजेपी वाला रहेगा तो मैं कांग्रेस वाले की तरह बात करूंगा। कांग्रेस वाला रहेगा इतने देर आपसे बात करने के बाद मुझे देखिए, एक प्रकाश जी 1-to-1 में जो सामने होता है, जो सामने नहीं है सुन रहे हैं उनको भी पता है, मुझे भी थोड़ा अकल है, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सोच है, मुझे भी पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट 1-to-1 में जो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसका पक्ष रखना होता है। अब मेरा कोई बीजेपी का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें मैं क्या पूछता हूँ बीजेपी वालों को, जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हैं मुझे साफ नजर आ चुका। वो तो मेरी आइडियोलॉजी है, वो तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदुवादी आइडियोलॉजी है। शुरू हुआ आपकी देशभक्ति, बीजेपी और आरएसएस का देशभक्त का डेटा बताऊं,
बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15, 1947 है ना, जब स्वतंत्र हुआ ना, वहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ है। इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग, वो नो भीख मांग रहे थे तो ब्रिटिशों के साथ। और आजकल ना उनका डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ है और बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं। इनका एक भी आरएसएस में ऐसा लीडर नहीं है जो देशभक्त था। इसीलिए वो लोग किडनैप कर रहे हैं। पटेल जी जो है ना आरएसएस को बैन किए थे, आपको पता होना चाहिए। और आरएसएस ने भीख मांगा हम चुनाव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आपको मुझे 5 दी तो ये लोग ने उनका पुतली बना दिया 3000 करोड़ का, उसके सामने से सेल्फी ले रहे हैं मिस्टर मोदी जी। भगत सिंह जो के नाम जो आप देशभक्त लोग आरएसएस लोग और बीजेपी लोग ले रहे हैं ना, आपका नहीं है वो। वो लव मार्क्स, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थे वो, टोटली और इतना बोला आपको बोलना, आपका देशभक्त का पता है हम सब लोगों को, हमारे आंखों के सामने आप देशभक्त होने। मुझे देशद्रोही मत करने की कोशिश करने को नहीं बोलो उनको। आप बोलिए। मैंने तो नहीं बोला आपको, उनको बोला। तो वो तो सुनिए जो बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहे। अब आपकी बात बता दो, आपने कहा भगत सिंह मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट आपको पता था उनको, तो आपको पता है जब उनको फांसी के सजा के लिए लेके जा रहे थे और जब उनको मिलने आए जेलर, तो उन्होंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और अगले जन्म में मुझे ये काम आएगा। तो जिसका पुनर्जन्म पे भरोसा है वो हिंदू होता है, मार्क्सिस्ट नहीं होता। मार्क्सिस्ट का पूर्व जन्म पे भरोसा, अगले जन्म पे भरोसा नहीं है। कुछ भी कहते और रही संघ की बात, संघ वो राष्ट्रभक्ति पहुंचाता है, संघ वो कट्टर राष्ट्रवाद लोगों के खून में डालता है, जो देश को समर्पित करने के लिए, जो देश को समर्पित होने के लिए खून ही करते हैं। एक भी घटना ऐसी तो संघ के बारे में हुई नहीं है, बहुत हो चुका है, एक भी नहीं माने, एक भी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो आंकड़ों से बात कर सकता हूँ। मैं तो माइंड ब्लोइंग है आर्मी, पूरा से पूरा टॉप टू बॉटम है आप। हाँ, कोई दो रंग नहीं है, एक ही रंग है, हमारे भी एक ही रंग है, बस इसलिए तो आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते कोई दो रंग नहीं है, एक ही रंग है। और हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति में कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान का 24/7 चलेगा क्या इंटरव्यू? बिल्कुल इसका भी एक टाइम होगा। अच्छा, ओके, क्यों अभी इतना बकवास सुनने का भी मुझे भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए। पूरा हिंदुस्तान आपका बकवास सुन रहा है, आप वो बकवास से तो आप 23 को पता चलेगा ना किसका बकवास सुनने चाहते हैं लोग। कितने दिन बाकी आप पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं? आप पत्रकार नहीं है, कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल में कुछ एजेंडा है, पीछे एजेंडा तो भगत सिंह भी पत्रकार था, उनका भी था एजेंडा, लोकमान्य के बारे में बात करें तो भगत सिंह के पक्ष क्यों जाते हैं? आपके मोदी का जो व्याधि है ना, मैं आपसे उनसे पूछता हूँ सब, जीएसटी क्या है, नेहरू ने क्या किया, वो जब भी आज वो तो बीजेपी, ये देखिए बीजेपी ऑफिस है, ये बीजेपी सेंट्रल ऑफिस है, आप थोड़ा आवाज देंगे तो अमित शाह को सुनाई देगा। अब उनको पूछिए ना, अब उनको सुनाए, अरे आम आदमी का कोई प्रॉब्लम उनको सुनाई देगा, अभी क्या सुनाई देंगे? आपको सबको सवाल पूछने का अधिकार है, हम उस अधिकार को नहीं आप ये कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं होते तो हम आपको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाते। आप कुछ है इसलिए बुलाए, लेकिन हम पत्रकार भी नहीं है, ये अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत। मैं कह रहा हूँ, मैंने इस देश के हर आइडियोलॉजी के व्यक्ति का इंटरव्यू किया है ना, आप जो इंटरव्यू, हर आइडियोलॉजी का, आपकी भी आइडियोलॉजी, उसका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने जब बोल रहे थे, आपने बोला उसको उनका, आप मेरा आइडिया अलग है आपकी आइडियोलॉजी। आप जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जब जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसमें पता हो गया देश को मैं कौन हूँ, आप कौन हूँ और आप किसके साथ हैं, किसके किस आइडियोलॉजी के साथ हैं और जिस कैडर के साथ है ना। अभी 15 दिन है 23rd, मेरा बकवास या आप जो आइडियोलॉजी जो लोग है ना उनका बकवास, किसको बकवास को सुनने चाहते हैं लोग ना? बिल्कुल 23rd भाई इवनिंग 5 o'clock बोल देंगे, बिल्कुल इस बार तो लेट होगा सर, 5 बजे तक ट्रेंड पता चल जाए। हाँ ठीक है, तो हम इस कैमरे पे पैकिंग करेंगे ना, सभी इस कैमरे पे प्रकाश बाड़ी गाड़ी आएगा, पैकिंग करेंगे ना तब पता चलेगा। बिल्कुल, हम नए प्रधानमंत्री की मिठाई बांटेंगे, आने दो वो पता नहीं जो भी बनेगा भाई, ये तो लोकतंत्र का त्योहार है। एक ही एक पॉइंट है, कोई इसका भी बने सरकार, हमको चाहिए रोजगार। और मुझे लगा इस साल कुछ कर लेंगे ऐसा लग रहा था। आपको आप चाहते हैं कुछ कर लेंगे, मैं ऐसे नहीं हूँ, आप लोग की चाहते हैं। चलिए अब आप इंसानियत ही नहीं है, आप किसी को मरने चाहते हैं, कुछ कर लेना चाहते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं आप? ये मैंने कब कहा? आप अभी कहा नहीं, मैंने चाहता हूँ।
फांसी लगा दो। मैंने सोचा आप ये कहेंगे कि मैं आप राजनीति छोड़ दूंगा और फिर अब मैं फिल्मों में जाऊंगा। चलो बेचारा आप भी चलो चलिए जो सुन रहे हैं। हाँ हाँ ये तय करेंगे। आली रे आली, अब की बार आम आदमी जनता की सरकार आली, इनके नहीं इनके सोच के नहीं। बाय। चलिए आपने समय निकाला और इस इंटरव्यू में टाइम दिया, इसके लिए कम से कम धन्यवाद तो करने का धैर्य रखिए। धन्यवाद, इतना होना चाहिए। आपने मेरी मातृभाषा में डायलॉग मारा है, मेरी मातृभाषा में आपने डायलॉग मारा है। हम मोदी आने के बाद दोबारा मिलेंगे। मैं मराठा हूँ, ये भी सटकता है। मोदी शायद आएंगे, अगर आपके घर पे चाय पे आएंगे, हमारे घर पे चाय पियेंगे। अब बुलाएंगे? हाँ मैं बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता चलना है कि वो चाय भी बनाते हैं कि नहीं, या वो भी जुमला। इसीलिए तो बुलाऊंगा। चलिए हम 24 तारीख को प्रकाश राज जहाँ भी रहेंगे, 24 मई को वहाँ जाएंगे, फिर मिलेंगे। अरे एक बार चलते चलते और पता करेंगे कि मोदी जी चाय भी बनाते हैं। बिल्कुल जी, तो आप आए थे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।